हमारा रोहित ब्लॉग्स का रोहित भाई है। रोहित भाई क्या कर रहा है ये बंदा? वेलकम बैक टू एस पी राइडर। तो हमारा आज हम जाने वाले हैं हमारा जो कॉलेज है गोडडांगा पे, गोडडांगा हिंदू कॉलेज नाम है उसका, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में शायद होता है। और ये हमारे सामने पल्सर भाई आ रहा है, हमारे ही एक राइडर है, तो हमारे साथ ही वीडियो बनाता है भाई। और पीछे हमारा रोहित ब्लॉग्स का रोहित भाई है। रोहित भाई क्या कर रहा है ये बंदा? एक गिरने वाला था भाई, भाई यार क्या अभी गिरता भाई, क्या कर रहा है वो, क्यों बेटा भाई यार अभी गिर जाता है ये अभी गिरता बंदा। ये हमारा रोहित ब्लॉग्स आ गया है, रेड कलर का पल्सर। देखो भाई यार क्या कट मारता है भाई ये बंदा, सीनियर राइडर है हमारा, हमारा गैंग का सीनियर राइडर है ये। वो देखो भाई राइडर वाला किया है इसके अंदर, देख देख यार क्या कर रहा है। देखो ये तो वो मुझे डर लग रहा था भाई ये गिर ना जाए, जो चलाता है यार ये बंदा बहुत खतरनाक राइडर है। ओ देखो निकल गया भाई, भाई। और तो ये लोग अपने अपने निकल जाएंगे इधर से, और मैं गोडडांगा के लिए निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई लोग अभी घर पे चला गया है क्योंकि उसका घर पे कुछ काम था, और हम गोडडांगा के साइड में जा रहे हैं। थोड़ी सी भी पसंद है तो सपोर्ट करो यार, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं क्या कहूँ, तो थोड़ा सा गलती तो होगा, गलती से ही सीखता है कभी। और मेरा हिंदी मुझे पता है उतना अच्छा तो नहीं है, और जो भी यार करता हूँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो सपोर्ट दिखाओ यार भाई। ये अंकल कहाँ से घुस गया यार भाई, इन लोगों के वजह से एक्सीडेंट होता है और तमाम आपके पास हम मार खाते हैं आपको, तो कुछ नहीं किया जा सकता है इन लोगों का। अभी मेरा ब्लॉग एक आता था परसों आ रहा था, मतलब बनाने वाला था मेरा ब्लॉग एक, बट नहीं हुआ क्योंकि भाई हमारा विश्व भैया जो है वो R15V4 लेने वाला था परसों, और ले भी लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उसने मुझे कहा कि 12:30 बजे के बाद निकलना है हम लोगों को, मतलब 12:30 तक निकल जाएंगे हम लोग, ऐसा उसने कहा था। तो मैं वही परसों सोच के आया था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन भाई कुछ नहीं रेडी हुआ था, मतलब बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका चेक पे भी उसको खो गया है, उसका चेक पे भी उसके पास में नहीं है, और पैसा तो था ही नहीं भाई। पैसा उसने अपने मम्मी से 40,000 उधार लिया था, अब जाके फाइनेंस करा के लिया है। तो हमारे गैंग में इतना बाइक आया है अभी, पहले तो पिंकी था विश्व भाई का, पिंकी मेरा वो वर्ल्ड का, और हमारा भास्कर भाई का स्कूटी है, उसको कोई नाम नहीं ले रहा भाई इसमें। और ये रोहित ब्लॉग जो है उसके पास ये पैसा 200 या 180 है सर। तो अभी भाई बहुत देर हो जाएगा शायद घर जाने में मुझे, बस
कॉल भी आ रहा था फ्रेंड्स का, एक विश्व भाई आने वाले थे आज ब्लॉक्स में। आज प्रोग्राम ही एक नेक्स्ट लेवल का था। आज ऑफ रोडिंग का करने वाले थे हम लोग, लेकिन वो फाइनेंस वाला आ गया विश्व भैया के घर में, तो विश्व भैया को जाना पड़ा। और मैं सोच रहा था क्या कर दिया ब्लॉक कैंसिल कर दूँ, तो फिर सोच रहा मैंने कि नहीं चलो एक छोटा सा ब्लॉक बना ही दिया गया, तो निकल गया बाइक लेके। और हाँ रोहित तो भी जाने वाला था उस पर, हम लोगों को मैं विश्व भैया शोभन भाई, तो हम लोग फोन में ब्लॉक करते हैं। हमारा जो माउंट है मोबाइल माउंट खरीदा हुआ है, तो हम फोन में ही ब्लॉक बनाते हैं, फोन में ही एडिट करते हैं। और हमारा भाई नेक्स्ट लेवल का है, वो एक्शन कैमरा यूज करता है और उसके पास लैपटॉप भी है एडिटिंग के लिए, तो समझ रहे हो ना भाई थोड़ा क्या ही है वो, मतलब बहुत आलसी टाइप का होता है वो। तो जो भी है भाई उसको मैं सच मतलब असली वाला रीजन बताता हूँ आप लोगों को। तो उसमें क्या कहा था परिवार हमको कहा था कि शॉर्ट बनाएगा, तो शायद 12:30 या 1 बजे के आसपास कहा था उन्होंने। तो हमने उसे कहा था बने मतलब क्या है कि फ्लो फ्लो में निकल गया था कि हाँ भाई आ गया शॉर्ट बनाएंगे, तो वो भाई अपना एक्शन करेगा मतलब आधा चार्ज करते ही निकल गया। तो हम क्या करते, तो हमें तो निकलना था ब्लॉक के लिए निकलना था हमको, तो भाई को कहा कि ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसका तो एक्शन कैमरा में चार्ज ही नहीं था। तो तभी हमारा जो रिश्तेदार है उसको कॉल आया, और उसने मम्मी जो हमारा आंटी है, आंटी ने कहा कि फाइनेंस कॉल हो रहा है घर पे, तो तुम जल्दी जल्दी घर पे आ जाओ। तो भाई निकल गया वहाँ से, मुझे बोला था कि 15 मिनट के आसपास आता हूँ, लेकिन वो घर पे जब पहुँचा पहुँच के मुझको कॉल किया करके बताया था कि कॉल करके उसने बोला कि आज का ब्लॉग हम कैंसिल करते हैं, आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसको कुछ काम है। वो 2 बजे के अंदर हमारा शूट 2 बजे के अंदर शूट कंप्लीट करना था, लेकिन भाई ये रोहित लेट करता है बहुत, रोहित की वजह से लेट होता है। और ये भाई अंकल कैसे ब्रेक मार रहा है यार, अभी ठोक देता है अंकल को, मतलब भाई सामने आके ही रुक गया, तो ब्रेक मारो आराम से ब्रेक मारो भाई। यार क्या हो रहा है आज, जो कोई भी है मतलब ठोकने के उद्देश्य से आया है क्या, कार क्यूट लग रहा है वो, का सफर ये कहां से यार ओवरटेक करता है ये, मतलब क्या ही बताओ यार, इसको लाइसेंस तो किसने दिया भाई, रॉन्ग वे पे आके ओवरटेक करता है। तो भाई ये देखो यार बुलेट लेके आ रहा है भाई, मतलब सामने अनिर्वन था और भास्कर घर दो जा रहा था शायद, तो देखते हैं क्या होते हैं है। कॉलेज दिखे जाच्छिलाम कॉलेज क्यों नहीं। तो गाइस आज का जो वीडियो था हमारा, जो कंटेंट था, मतलब कॉलेज के लिए निकले थे हम, तो कॉलेज जाते जाते मुझे अपने दोस्त मतलब भास्कर और अनिर्बान दा जो है, अनिर्बान ब्लॉग्स, वो भी यूट्यूब ही करता है, उसका चैनल का नाम अनिर्बान ब्लॉग्स है, तो उन दोनों से मुलाकात हुई जाते जाते। तो उन दोनों ने कहा कि यही पे ब्लॉग रोक दो, क्योंकि कॉलेज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था भाई, क्योंकि कोई नहीं था कॉलेज में, कॉलेज मतलब एग्ज़ाम चल रहा था कॉलेज में। तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए आज का ब्लॉग शूट कर रहा था, क्योंकि आप जो पूरा ब्लॉग देख के आए हो तो उन्हें तो पता ही है कि आज का प्लान कुछ और था, लेकिन बाई चांस मतलब अपने जो भाई है विश्व भाई, तो उनके लिए ब्लॉग को मतलब आज के प्लान को रोकना पड़ा। तो मैं जा रहा था अकेले अकेले, दिमाग में आया था कि
जाएंगे, अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन नहीं हुआ भाई। मुझे जाते आते उन लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि कॉलेज बंद हो चुका था, एग्ज़ाम चल रहा था तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और कॉलेज के गेट में ताला लग गया था, तो उसी टाइम मतलब जाने का कोई फ़ायदा नहीं था भाई। और प्लान में चेंज करना चाहता नहीं था कि उधर से मीडिया के साइड में जाता, लेकिन वहाँ से मीडिया एक ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मीडिया में मैं जिस टाइम जा रहा था सवेरे मतलब वहाँ का व्यू उतना अच्छा नहीं लगता था, उधर का जो व्यू है वो दोपहर के टाइम अच्छा लगता है ज़्यादा। तो कॉलेज में जाएंगे, ब्लॉग करेंगे, आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, लेकिन उन लोगों से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा था कि कॉलेज बंद हो गया है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है तेरा, तो मैं उधर से मतलब ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता था तो मैंने वहाँ से कैमरा बंद कर दिया। तो सपोर्ट करो भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका सपोर्ट तो बनता ही है, हक है मेरा यार, हक है। तो जो जो चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्या का मतलब मुझे अपना इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग प्लीज़ बताना मुझे, क्योंकि नया क्रिएटर हो भाई, गलती तो ऑब्वियसली होगा ही थोड़ा सा, तो आप लोग सपोर्ट करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा एंड बाय बाय। Can anybody out there hear me?